हाँ, देख के लग ही नहीं रहा है ये प्लांट मेरे की, ये ऑनलाइन मैंने परचेज किया हुआ है। देख के लग रहा है कि लोकल नर्सरी से मैंने इन्हें खरीद के ले आया हुआ है, बिल्कुल डैमेज नहीं हुए हैं। दोस्तों, टाइम चल रहा है मॉनसून का, और मॉनसून का टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है परमानेंट प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करने, चाहिए वो फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, जो परमानेंट प्लांट है उनको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे तो पूरे साल ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम मेहनत के साथ, कम जो आपके पौधे हैं वो मरें, जो नए ऐड कर रहे हैं आप, तो अगर आप चाहते हैं तो मॉनसून का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और मैं अपने गार्डन में कुछ समय से फ्रूटिंग प्लांट ऐड कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि कहाँ से मैंने वो प्लांट परचेज किए। इसी सिलसिले में मैं कुछ प्लांट अपने ऑनलाइन परचेज किए हुए मैंने, और ये मैंने कलकत्ता की एक नर्सरी वहाँ से परचेज किए हुए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लांट की हालत कैसी है, प्लांट किस रेट में मिले हुए हैं, कुरियर चार्जेस कितने लगे हैं, और प्लांट मेरे पास किस हालत में पहुँचे। देखते पहले, अभी मैंने देखा नहीं इन्हें, इन्हें खोल के देखता हूँ कि प्लांट की हालत कैसी है, किस हाल में मेरे पास ये प्लांट पहुँचे हुए हैं। कलकत्ता की नर्सरी है, इन नर्सरी करके है, वहाँ से मैंने इनके प्लांट परचेज किए हुए हैं। दो इसमें आम के पेड़ हैं, दो सिट्रस फैमिली के प्लांट हैं इसमें। दोनों की हालत देखते हैं पहले से, तो अनबॉक्स करते हैं पहले तो। ये चार प्लांट है इसमें, चार प्लांट को ये दो दो के पेयर में करके इन्होंने प्लास्टिक के पाइप में डाल रखा है। प्लास्टिक के पाइप में करने का फायदा ये होता है कि प्लांट की हालत काफ़ी अच्छे से हमारे पास पहुंच जाती है, प्लांट टूटते नहीं है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने दोनों प्लांट को पैक किया हुआ है प्लास्टिक के पाइप में। ये इनकी पिंडियां हैं, प्लांट को इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक कर रखा है, इतना खोलने के बाद भी अभी इनकी पिंडी नहीं हिल रही है। होता क्या है नॉर्मली, अगर आप ठीक से पैक ना करें, रास्ते में प्लांट हिल जाता है, कई बार इनके रूट्स डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से जब प्लांट लगाते हैं तो मर जाते हैं। तो पैकिंग करने में और पैकिंग को खोलने में काफ़ी सावधानी बरतनी होती है, तो पैकिंग करने में इन्होंने काफ़ी सावधानी बरती हुई है। एक पाइप को हमने खोल लिया, दूसरी पाइप को भी फटाफट खोल लेते हैं। दोनों ही प्लांट काफी हेल्दी कंडीशन में तक पहुंच गए। चारों प्लांट हमारे पाइप से बाहर आ चुके हैं, पाइप से बाहर निकाल चुका हूँ। देख के लग ही नहीं रहा है ये प्लांट मेरे की, ये ऑनलाइन मैंने परचेज किया हुआ है। देख के लग रहा है कि लोकल नर्सरी से मैंने इन्हें खरीद के ले आया हुआ है, बिल्कुल डैमेज नहीं हुए हैं कोई भी। लग ही नहीं रहा है कि प्लांट पाइप में भर करके, सफ़र करके मेरे पास पहुँचे हुए। इस पाइप में पैक करने का ये फ़ायदा तो होता है कि प्लांट हेल्दी पहुँच जाते हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने काफ़ी हेल्दी प्लांट पैक भी किया हुआ है। तो ये इसमें चार प्लांट हैं, दो संतरे की प्रजातियाँ हैं, दो आम की प्रजातियाँ हैं, चारों ही प्लांट ग्राफ्टेड हैं। तो ग्राफ्टेड होने का फ़ायदा ये होता है कि इनको आप पॉट में लगाना चाहें तो पॉट में लगा दें, ग्राउंड में लगाना चाहें तो ग्राउंड में लगा दें, फ्रूटिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट होती है। सीडलिंग वाले प्लांट का नुकसान ये होता है कि फ्रूटिंग उसमें लेट स्टार्ट होती है, साथ ही साथ उनमें स्वाद कैसा रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ग्राफ्टेड प्लांट में क्या होता है कि इनकी गारंटी होती है, हाँ वही प्लांट निकला जिनकी ग्राफ्ट किया गया है। इन चारों प्लांट को भी आपको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, ये प्लांट सफ़र करके आ रहे हैं, पाइप में पैक होकर के आ रहे हैं हफ्ते भर। तो अगर आप इनको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो ये प्लांट आपका शौक में चला जाएगा, पत्ते गिर जाएंगे, पत्ते पीले पड़ जाएंगे, पत्ते जल जाएंगे। तो इन्हें डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, अभी इनको 3 से 4 दिन अभी आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की लाइट आ जाए, उसके बाद आप इनको पॉट में लगाना चाहें तो पॉट में, ग्राउंड में लगाना चाहें तो ग्राउंड में लगा सकते हैं। तो ये चारों के चारों प्लांट हैं, मैं बारी बारी चारों प्लांट के बारे में बता दूँ। पहले तो इनके रेट बता देता हूँ मैं, जो इनके संतरे के प्लांट हैं वो 200 रुपये के हैं, 200 रुपये 200 रुपये, और ये इनके जो आम के प्लांट हैं वो 250 250 के हैं। इसके साथ मुझे 300 रुपये इनका कुरियर चार्जेस देने पड़े थे, तो ये प्लांट मुझे इतने के पड़े हुए हैं। अब बारी बारी में सारे प्लांट के बारे में बता दूं। ये दार्जिलिंग संतरे की प्रजाति है, दार्जिलिंग का संतरा बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसे नागपुर का संतरा तो आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा, लेकिन दार्जिलिंग का जो संतरा होता है वो अपने स्वाद के लिए, अपने महक के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे यहाँ पर नागपुर संतरा तो खाने को बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन दार्जिलिंग का जो संतरा है हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका एक प्लांट ही क्यों ना अपने गार्डन में लगा करके इसका भी स्वाद लिया जा सके।
ये दार्जिलिंग संतरे की प्रजाति काफ़ी अच्छी होती है, इसे भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये चाइना कमला ऑरेंज है, ये ऑरेंज क्या है, इसको चकोतरा और मैंडेरियन संतरे का क्रॉस करके बनाया गया था, तो ये हाइब्रिड प्रजाति बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती है, काफ़ी खाने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी प्लांट आप देखते हैं, काफ़ी अच्छे साइज का है, काफ़ी ट्रंक अच्छा है इसका, अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा हुआ है, तो हेल्दी कंडीशन मेरे पास पहुंच गया। तो ये चाइना कमला ऑरेंज है, बहुत ही अच्छी ये संतरे की प्रजाति है। इसके साथ ही साथ आम की बहुत ही मशहूर प्रजाति दशहरी, दशहरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, हमारे लखनऊ की ही ये प्रजाति है जो कि मैंने यहाँ से परचेज किया हुआ है। काफ़ी हेल्दी कंडीशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल हेल्दी, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं इसके, काफ़ी हेल्दी कंडीशन में ये प्लांट भी मेरे तक पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ ये रहा रेड पाल्मर, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। रेड पाल्मर आम की प्रजाति है, ये काफ़ी अच्छे साइज का, काफ़ी हेल्दी कंडीशन में ये प्लांट पहुंच गया है। ये आम की कलर्ड वेराइटी है, खाने में बहुत टेस्टी होती, देखने में ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब एक बार इसमें आम लग जाते हैं उसके बाद ये प्लांट की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। कलर्ड वेराइटी है तो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट मंगवाना कैसे है। मंगवाने के लिए आप इनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इनसे प्लांट मंगवा सकते हैं, कुरियर से ये प्लांट आपके घर पे भेज देंगे। सीओडी की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो सीओडी के लिए आप इनसे बात मत करिएगा। प्लांट के रेट आप इनसे पूछ करके, जो भी प्लांट आपको पसंद आए, जरूरी नहीं आप यही प्लांट मंगाए, जो भी प्लांट आपको पसंद आते हैं वहाँ से आप इनके प्लांट परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सवाल सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you.